सलाम नमस्ते आदाब सत श्री अकाल टू वन एंड ऑल। तो गाइज आज मैं ये नहीं पूछूंगा कि कैसे हो आप लोग, क्योंकि मुझे पता है कि जो ICAI की अभी नोटिफिकेशन आई है कि सर एग्जाम्स कैंसिल हो चुके हैं और मर्ज हो चुके हैं नवंबर 20 के बाद, उसके बाद आप लोग सब अच्छे ही हो गए, राइट। लेकिन कुछ स्टूडेंट उदास भी हैं कि सर हमने मेहनत बहुत की थी एग्जाम्स के लिए और अब एग्जाम्स कैंसिल हो गए, सर ये तो गलत बात है, हमें अब 4 महीने और वेट करनी पड़ेगी। बट एक चीज़ समझो बेटा, इस टाइम पे लाइफ से ऊपर कुछ नहीं है, और ये जो पेंडेमिक है, जो COVID-19 का पेंडेमिक है, वो किसी ने भी प्रिडिक्ट नहीं किया था। ना मुझे पता था आज से 2-3 महीने पहले कि होगा, ना आपको पता था, ना इंस्टीट्यूट को पता था, ठीक है। तो इसलिए अभी की सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो बेस्ट था वही डिसीजन लिया गया है, और इसको लेकर आप लोगों ने बिल्कुल भी उदास नहीं होना है। अब पॉइंट ये है कि जब मैंने नोटिफिकेशन आई तब हमने आपको अपडेट किया, और उस अपडेट वीडियो में मैंने कहा था कि मैं आपको बताऊंगा कि अब आपको करना क्या है सर। तो अब ये देखेंगे कि हम लोगों को करना क्या है। अब ये जो 4 महीने हमें एडिशनल मिले हैं, ये जो गोल्डन पीरियड मिला है हमें, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर में हमारे एग्जाम्स होने वाले हैं। कुछ स्टूडेंट ये पूछ रहे हैं कि सर क्या नवंबर अटेम्प्ट भी लेट होगी? नहीं, नवंबर अटेम्प्ट एज पर शेड्यूल ही चलेगी, क्योंकि हमारे मई अटेम्प्ट्स कैंसिल हो चुका है, ठीक है। इंस्टीट्यूट ने जो कहा था, इंस्टीट्यूट ने कहा था कि अगर मई अटेम्प्ट जुलाई में करते हैं तो नवंबर अटेम्प्ट हम लोगों को पोस्टपोन करना पड़ेगा टू दिसंबर, क्योंकि टाइम गैप नहीं है बीच में। लेकिन क्योंकि अब मई अटेम्प्ट कैंसिल हो चुकी है, तो नवंबर अटेम्प्ट जो है वो एज पर शेड्यूल ही चलेगा। नवंबर अटेम्प्ट में अभी कोई चेंज नहीं है, राइट। आगे क्या होगा सर किसी को नहीं पता, ठीक है, टोटली अनप्रेडिक्टेबल टाइम्स है, अभी हम कुछ नहीं कह सकते। तो अब जो हम लोग इस वीडियो में डिस्कस किस बारे में करने वाले हैं वो ये कि सर हमें अब इन 4 महीनों में क्या करना है, ठीक है। तो मैं बहुत टू द पॉइंट आप लोगों से बात करूंगा, कुछ पॉइंट्स मैंने बना रखे हैं, कुछ पॉइंट्स मैंने जो आप लोगों से डिस्कस करने हैं। सबसे पहले तो जो कॉमन पॉइंट्स है वो डिस्कस करूंगा, उसके बाद मैं अपने सब्जेक्ट रिलेटेड की तैयारी किस तरह से आप लोग बेस्ट वे में कर सकते हो टू स्कोर वेरी गुड मार्क्स, ठीक है, तो उसके बारे में मैं बात करूंगा। उससे पहले सर अगर पहली बार वीडियो देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा दो, सो दैट हमारे जितने भी फ्यूचर वीडियोस आए उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। और इस वीडियो को लाइक जरूर कर दो और वीडियो को एंड तक जरूर देखना, तभी फायदा होगा अगर एंड तक देखोगे, ठीक है जी। चलो सर स्टार्ट करते हैं। तो अब हमें 4 महीने में क्या कुछ चीजों को ध्यान में रखना है वो चीजों के बारे में बात करेंगे। सर सबसे पहला पॉइंट है कि हमें 4 मंथ्स मिले हैं, ठीक है। तो कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर दिस इज द टाइम टू रिलैक्स, अब तो सर 4 महीने मिल गए, अब तो हम रिलैक्स करेंगे, इंजॉय करेंगे, पहले तो 1-1.5 महीना इंजॉय करेंगे फिर सोचेंगे पढ़ना या नहीं पढ़ना। बिल्कुल भी नहीं करनी है गलती, ये 4 महीने जो मिले हैं दिस इज द गोल्डन पीरियड, इसका पूरा फायदा उठा लो। क्योंकि अगर ये 4 महीने के बाद भी अगर तुम लोगों ने कहा कि सर अब तो तैयारी नहीं है, हमें तो डर लग रहा है एग्जाम में क्या होगा क्या नहीं होगा, अगर उसके बाद भी ऐसी चीज सुनने को मिलती है कि सर हमारी तो तैयारी नहीं है, तो फिर कोई फायदा नहीं है बेटा सीए करने का, साफ सी बात, ठीक है। तो इसलिए अब ये 4 महीने को पूरी तरह से यूटिलाइज करो, पूरा पूरा यूटिलाइज करना है। दूसरी चीज है जो बच्चे कह रहे हैं कि सर कॉम्पिटिशन इंक्रीज हो जाएगा, क्या होगा सर अब तो मई और नवंबर में डबल स्टूडेंट्स हो जाएंगे तो सर कंपटीशन बड़ा इंक्रीज हो जाएगा। तो डर किस बात का सर, आने दो कंपटीशन, आने दो, इसी में तो मजा है। हम लोग सीए के स्टूडेंट है सर, हम लोग फाइटर्स हैं, हम लोग कंपटीशन से डरते हैं क्या? कंपटीशन से कौन डरता है सर, आने दो कंपटीशन, आने दो, 10 लाख स्टूडेंट आ जाए, 15 लाख स्टूडेंट आ जाए, अगर आप लोगों ने सच्चे दिल से मेहनत की है तो आप लोगों को कोई हरा नहीं सकता, इतना आप लोग याद रखो। तो कंपटीशन सर 3 लाख स्टूडेंट में हो या 6 लाख स्टूडेंट में हो या 10 लाख स्टूडेंट में हो, अगर आपने मेहनत की है तो आप सफल होकर ही रहोगे। तो कंपटीशन ये मत सोचो, बिल्कुल भी कोई नेगेटिव थॉट्स मत लेके आओ कि सर कंपटीशन इंक्रीज हो जाएगा, सर नवंबर अटेम्प्ट देने का फायदा है भी है या नहीं है, कॉम्पिटिशन सर डबल हो जाएगा, डबल स्टूडेंट्स अपियर हो रहे होंगे, तो होता है सर, हो जाए, क्या दिक्कत है, हमें क्या दिक्कत है, हमें तो अपनी मेहनत करनी है, अपनी पढ़ाई करनी है, अच्छे से अटेम्प्ट देनी है, जो होगा देख लेंगे, राइट। उसके बाद दो चीजें हो गई, तीसरी चीज पे आते हैं सर। तीसरा चीज मेरे पास जो है स्टडी मटेरियल, ये बहुत जरूरी है, स्टडी मटेरियल एंड लेक्चर्स। ये एक एरिया है जहां पर हम लोग सबसे ज्यादा गलती करते हैं। जब हम लोग थे, जब हम लोग पढ़ रहे थे सीए, हम लोगों ने भी यही गलती की, इन्हीं गलतियों से हम लोग सीखे हैं, और
मैं ये चाहता हूं कि आप लोग ये गलती मत करो। सर गलती क्या है ये तो बताओ। गलती ये है कि सर हम लोग एक ही सब्जेक्ट का बहुत सारा स्टडी मटेरियल इकट्ठा कर लेते हैं। फ्रेंड ने कहा मेरे पास ये स्टडी मटेरियल है, दे दे भैया। दूसरे ने कहा मेरे पास स्टडी मटेरियल है, दे दे भैया तू भी दे दे। तीसरे ने कहा ये स्टडी मटेरियल अच्छा है, चल ये भी ले लेता हूं। चौथे ने कहा ये अच्छा है, चल ये भी दे दे मुझे, क्या दिक्कत है। तो अल्टीमेटली होता क्या है हमारे पास, सर हमारे पास सामने 10 स्टडी मटेरियल्स पड़े हैं, अलग अलग ऑथर्स के हैं, अलग अलग टीचर्स के हैं, लेकिन हमें यह नहीं पता चलेगा कि हमें पढ़ना कहां से है। कैसे पता चलेगा सर, 10 स्टडी मटेरियल में से मैं कहां से ढूंढता फिरूंगा, क्या है, टोटल टाइम वेस्ट है। तो करना क्या है सर, करना क्या है, आराम से बैठो सोचो कि आप लोगों ने कौन सा स्टडी मटेरियल यूज करना है, कौन से लेक्चर्स यूज करने हैं, लिमिट इट टू 1 or 2। अगर स्टडी मटेरियल की बात करूं तो स्टडी मटेरियल में जो आपको प्रायोरिटी रखनी है, जो आपको प्रायोरिटी रखनी है, दैट इज ICAI का स्टडी मटेरियल। ये हमेशा आप लोगों की प्रायोरिटी होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद एक स्टडी मटेरियल और कोई आप लोग ले सकते हो फॉर द रेफरेंस पर्पसेस, नोट्स हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, जो भी, राइट right, किसी भी टीचर का सभी स्टडी मटेरियल अच्छे होते हैं, सभी लेक्चर्स अच्छे होते हैं। तो इट डिपेंड्स अपॉन यू, आप किसका लेना चाहते हो, एक स्टडी मटेरियल प्लस 1 एडिशनल स्टडी मटेरियल। इससे ज्यादा आप लोगों के पास स्टडी मटेरियल नहीं होना चाहिए, राइट लेक्चर सुनने हैं किसी एक टीचर के लेक्चर सुनो। और करना क्या है, ये जो स्टडी मटेरियल है इसको 2 से 3 बार हम लोगों को रिवाइज करना है। सर इसको पी जाओ, इसको अच्छे से पी जाओ, मान लो बात, कोई आपको रोक नहीं सकता सर, एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने से कोई आपको रोक नहीं सकता। और ये एक सबसे बड़ा एरिया है जहां पर हम लोग गलती करते आए हैं। हम लोग बहुत सारा स्टडी मटेरियल इकट्ठा कर लेंगे, अरे वाह मेरे पास तो 10 बुक्स हैं, मेरे पास तो 15 बुक्स हैं, क्या करोगे 10 बुक्स का 15 बुक्स का, जब अल्टीमेटली हमें पता ही नहीं हमें पढ़ना कौन सी बुक्स है। तो जस्ट प्रायोरिटी, ICAI स्टडी मटेरियल सबके पास है, राइट कोई ऐसा बच्चा नहीं होगा जिसके पास ICAI का स्टडी मटेरियल नहीं है। वेबसाइट पे जाओ, वहां से डाउनलोड कर लो, प्लस 1 एडिशनल रेफरेंस मटेरियल अगर आप चाहो तो वो रख सकते हो, ठीक है। इससे ज्यादा स्टडी मटेरियल नहीं रखना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हम लोगों के लिए। और इसको 2 से 3 बार अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लो, अच्छी तरह से रिवाइज कर लो, चाहे वो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है चाहे कोई भी है, उसको अच्छी तरह से आप लोगों ने करना है। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है सर, रिटन प्रैक्टिस। रिटन प्रैक्टिस, चाहे वो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है चाहे वो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, किसी भी तरह का सब्जेक्ट है, ये रिटन प्रैक्टिस आप लोगों को करनी है। अगर आप लोगों को लगता है सर मेरी तैयारी होगी, मैं 4 महीने क्या करूं, 4 महीने क्या करोगे, लिख के देखो भैया हर चीज। सर प्रैक्टिकल तो समझ आता है, थ्योरी सब्जेक्ट कैसे लिखेंगे सर, लॉ को कैसे लिखेंगे, क्या लिखना है लॉ को, सेक्शन नंबर लिखो, सेक्शन नंबर दिस क्या कहती है, प्रोविजन, शॉर्ट में उसका प्रोविजन लिख लो। इससे क्या होगा, रिटन प्रैक्टिस का सर ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला है कि जितना आप लोग लिखोगे उतना एग्जाम में आप लोगों को याद रहेगा। और हम लोगों को आदत क्या होती है, अच्छा प्रोविजन ये है, सेक्शन ये है, प्रोविजन पढ़ ली, ठीक है जी एग्जाम में याद रहेगा, नहीं। इसीलिए कहा प्रैक्टिकल हो चाहे थ्योरी हो, लिख के प्रैक्टिस करो, अलग अलग नोटबुक्स लगा लो, शीट्स लगा लो, कहीं पर भी लिखो, रफ में लिखो, कोई सजाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, लिख कर प्रैक्टिस करो। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये 4 महीने जो एक्स्ट्रा मिले हैं ना, इसका अगर एक्चुअल में यूजेज करनी है तो ये चीज अगर फॉलो कर ली आप लोगों ने तो मैं बता रहा हूं कि बहुत अच्छी यूजेज कर लोगे इन 4 महीनों की, ठीक है जी। चलो सर उसके बाद क्या करना है सर, अगला हम लोगों को और क्या करना है सर, और क्या कर सकते हैं हम लोग, और हम लोग सर इसके बाद तो टाइम टेबल बनाना है। अब मेरे पास स्टूडेंट क्या कहते हैं, स्टूडेंट कहता है सर मेरे को टाइम टेबल बना के भेज दो। अरे भैया मैं टाइम टेबल बनाकर कैसे भेज दूंगा आप लोगों को, क्यों नहीं भेज सकते सर, क्योंकि हर स्टूडेंट की जो कैपेबिलिटी है वो अपनी अपनी है, हर स्टूडेंट का अपने हिसाब से होता है सर। किसी स्टूडेंट को सुबह उठकर पढ़ना अच्छा लगता है, किसी को रात को पढ़ना अच्छा लगता है। टाइम टेबल आप लोग खुद बनाओगे, ठीक है, आपके लिए टाइम टेबल कोई नहीं बना सकता, सिंपल सी बात है, क्योंकि हर बच्चे की जो कैपेबिलिटी है वो डिफरेंट है। लेकिन अब टाइम टेबल में आप लोगों को क्या करना है, टाइम टेबल में आप लोगों को बनाने हैं वीकली टाइम टेबल्स, वीकली
टाइम टेबल्स, मंथली भी छोड़ दो, क्योंकि मंथली में क्या है कि जब मंथली टाइम टेबल सामने लगा होता है प्रेशर बहुत रहता है माइंड पे, अरे यार एक महीने में इतना करना था इतना तो हुआ नहीं, तो करो क्या, वीकली टाइम टेबल्स बनाओ, एक हफ्ते का टाइम टेबल बनाओ, वीकली भी नहीं बनाना डेली टाइम टेबल बनाओ, अगर ज्यादा प्रेशर नहीं लेना तो डेली टाइम टेबल बनाओ, बस एक दिन का सोचो कि आज के दिन में हमने क्या करना है, कल किसी ने नहीं देखा, आज के दिन का सोचो कि आज आप क्या करना चाहते हो, अगर आप लोगों ने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि आज आप क्या करना चाहते हो तो उसके बाद काम आसान हो जाएगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि टाइम टेबल जो बनाओ और इसको रियलिस्टिक रखो। अगर आप लोग कहो कि सर मैं एक दिन में बैठकर पूरी कॉस्टिंग पढ़ दूंगा, क्या ये रियलिस्टिक है? सर किसी भी तरह से रियलिस्टिक है, मैं भी नहीं पढ़ सकता, ठीक है, तो एक दिन में कॉस्टिंग कोई नहीं पढ़ सकता, तो मेक द टाइम टेबल्स, कीप देम शॉर्ट इधर वीकली और डेली एंड मेक देम रियलिस्टिक जो आप अचीव कर सकते हो। जब आपके अंदर वो एक सेंस ऑफ अचीवमेंट आएगी ना, तब लगेगा अगले दिन का टाइम टेबल आपका अपने आप रिवाइज हो जाएगा। अगर एक दिन सोचा था एक चैप्टर करेंगे, अगर वो एक चैप्टर हो गया, अगले दिन आप लोग अपने आप दो चैप्टर का टाइम टेबल बनाओगे और उसको अचीव भी कर लोगे, राइट? सो फर्स्ट मेक इट रियलिस्टिक, कीप इट स्मॉल बट कीप इट रियलिस्टिक, राइट? तो ये बात रही सर टाइम टेबल की। तो उसके बाद एक चीज और जो आप लोगों ने हैबिट डालनी है अपनी, वो हमारी लाइफ टाइम हैबिट आप लोगों को काम करेगी, शेड्यूलिंग की। शेड्यूलिंग में क्या करना है सर, रोज रात को सोने से पहले अगले दिन का काम प्लान करके सो, दिस इज द बेस्ट थिंग। अगर आप लोग ये आदत डालोगे सर, सिर्फ सीए एग्जाम्स के लिए नहीं पूरी लाइफ के लिए ये फंडा है, कि अगर आप लोगों ने कल को आप जॉब करते हो कुछ भी करते हो सर, सोने से पहले 10 मिनट लगाओ, 10 मिनट लगाकर अपने अगले दिन का जो काम है, अगले दिन आप लोगों ने जो भी पढ़ाई करनी है, जो भी काम करना है, वो आप प्लान करो, ठीक है? अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर कल का क्या पता, कल का नहीं पता, बिल्कुल ठीक है, मैं भी मानता हूं, बट कम से कम हम प्लान तो कर ही सकते हैं। एक्चुअल सिचुएशन क्या होगी किसी को नहीं पता, फिर भी हम लोग प्लान तो करते हैं ना। आईसीआई को नहीं पता था कि मई अटेम्प्ट में ऐसा कुछ होने वाला है, कोई पैंडेमिक आने वाला है, लेकिन उसकी प्लानिंग सर पिछले साल से चल रही थी या नहीं चल रही थी? चल रही थी ना। तो इसीलिए प्लानिंग जरूरी है, शेड्यूलिंग इज प्लानिंग। तो ये प्लानिंग एक दिन पहले जो रात को आप प्लानिंग करके सोओगे, अगले दिन आपका काम क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ उसको एग्जीक्यूट करना। अगले दिन आपको इस चीज पे सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अरे यार सुबह मैं क्या पढ़ूं, बैठ के शाम को क्या पढ़ूं, क्यों? क्योंकि आपने एक दिन पहले रात को प्लान कर लिया था, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, स्लीप एंड मेडिटेशन। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो अभी के टाइम पे स्ट्रेस चल रहा है सर, हमने देखा बहुत सारी घटनाएं हुई स्ट्रेस के कारण, ठीक है, हमने बहुत सारे अच्छे लोगों को खो दिया स्ट्रेस के कारण, सुशांत सिंह राजपूत को खो दिया हम लोगों ने, तो अब इस स्ट्रेस से लड़ना किस तरह से है? और जो बीइंग इन द स्टूडेंट शूज अगर मैं बात करूं कि हम लोगों को डेफिनेटली एक पढ़ाई का स्ट्रेस रहता है, फैमिली का स्ट्रेस रहता है सर, प्रेशर्स रहते हैं, ठीक है, अब उस चीज से लड़ना किस तरह से है, ये दो चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्लीप सर, स्लीप जो है आपकी मिनिमम 6 to 7 hours की होनी चाहिए और मैक्सिमम जो है दैट इज 8 hours, ये आपका स्लीप पैटर्न होना चाहिए। इतना जरूरी है सर, कम से कम 6 to 7 hours सोना और मैक्सिमम 8 hours, और एवरी डे एटलीस्ट हाफ आवर मेडिटेशन आप लोगों को करनी है, एटलीस्ट 30 minutes की मेडिटेशन, जिसमें आप लोगों ने किसी टीचर के बारे में नहीं सोचना, किसी स्टडी मटेरियल के बारे में नहीं सोचना, किसी लेक्चर के बारे में नहीं सोचना, किसी फ्रेंड के बारे में नहीं सोचना, किसी बारे में नहीं सोचना, सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचना है, ठीक है? सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। अगले 4 महीने में इस चीज को अपनी जिंदगी का पार्ट बना लो, लाइफ टाइम काम आएगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट और इसको इग्नोर मत करना। काफी लोग इस चीज को इग्नोर कर जाते हैं लेकिन जरूरी है। तो ये 7 points जो मैंने डिस्कस किए, ये थे सर हमारे कॉमन पॉइंट्स किसी भी सब्जेक्ट के लिए। ओवरऑल हम लोगों ने किस तरह से स्ट्रेटेजाइज करना है अगले 4 महीनों में, हम लोगों को क्या क्या काम करना है, रिटन प्रैक्टिस करनी है, अपने स्टडी मटेरियल को फाइंड आउट करना है कि हमें कहां से पढ़ना है, हमें 10 study material नहीं रखने, सिर्फ 1 or 2 study material रखने हैं, बस दैट्स इट, उससे ज्यादा कुछ नहीं रखना, ठीक है? रिटन प्रैक्टिस करनी है, टाइम टेबल बनाना है जो वो डेली और वीकली बनाना है, ठीक है? तो टाइम टू रिलैक्स नहीं है, दिस इज द टाइम टू वर्क, टाइम टू अचीव, ये अचीव करने का टाइम है, अब ये रिलैक्स करने का टाइम नहीं है। और कंपटीशन के बारे में तो हम सोचना ही नहीं है, कंपटीशन हम सर सीए के स्टूडेंट हम डरते थोड़ी ना है कंपटीशन से। अब बात आती है
जो मेरे सब्जेक्ट्स हैं, कॉस्टिंग, एफएम एंड इको। अब इसको लेकर सर रात से लेकर जब से नोटिफिकेशन आई है तब से लेकर मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज आई कि सर कॉस्टिंग, एफएम, इको किस तरह से पढ़ें, क्यों कुछ स्टूडेंट ने फर्स्ट ग्रुप दे रखा था तो सेकंड ग्रुप करना है सर साथ में, तो एफएम, इको कैसे पढ़ें। ठीक है, कुछ स्टूडेंट ने अभी फर्स्ट ग्रुप के लिए अपीयर होना था, सर कॉस्टिंग कैसे करें हम लोग, सर अभी तो पूरी तैयारी नहीं थी कॉस्टिंग की, हमें लग रहा था तैयारी नहीं है तो अब कैसे करें। देखो अब आपके पास 4 मंथ्स का पीरियड है, ठीक है, 4 मंथ्स में आप लोग यूट्यूब लेक्चर्स आराम से कवर कर सकते हो, यूट्यूब से पूरा कोर्स आराम से कवर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं नहीं कहूंगा कि आप लोग फास्ट ट्रैक लेक्चर्स के लिए जाओ, अगर आपको लगता है कि पूरा के पूरा यूट्यूब से कर लिया, हमें एडिशनल रिविजन के लिए चाहिए, तब और तब सिर्फ फास्ट ट्रैक लेक्चर्स के लिए जाओ। ठीक है, अगर आपको कॉन्सेप्ट्स में लगता है कि सर नहीं अभी कॉन्सेप्ट्स नहीं पूरे हुए, तो YouTube लेक्चर से आप लोग आराम से 4 महीने में पूरा का पूरा कॉस्टिंग, FM, इको आराम से कर सकते हो, कोई आपको इसमें दिक्कत आने वाली नहीं है। दूसरी चीज की बात करूंगा, अब बच्चे पूछते हैं कि सर जो आपकी हैंडबुक्स हैं कॉस्टिंग की और FM की, अभी इको की हैंडबुक्स नहीं है, मैं उसके ऊपर क्लैरिफाई कर दूं, अभी इको की हैंडबुक्स अवेलेबल नहीं है। ठीक है, FM की भी अभी नोट्स अवेलेबल नहीं है, नोट्स जो है वो इनक्रिप्टेड ई फॉर्म में है, लेकिन क्वेश्चन बुक और कैप्सूल जो है दैट इज अवेलेबल इन द हार्ड कॉपी। हैंडबुक, स्टूडेंट पूछता है कि सर हैंडबुक लेना जरूरी है, सर इट इज कंपल्सरी कि हम लोग हैंडबुक भी लें। ठीक है, तो उसके ऊपर मैं थोड़ा सा क्लैरिफाई करना चाहूंगा आपको। हैंडबुक्स का सर बेनिफिट ये है हमारे पास, एक एडिशनल बेनिफिट जो हैंडबुक्स का ये है कि उसमें जब आप यूट्यूब से लेक्चर्स पढ़ रहे हो, ठीक है, तो वहां पर जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं उसका टॉपिक एक सीक्वेंस में आप लोगों के पास हैंडबुक्स में सामने है। ठीक है, तो आप लोगों की डिवाइडेड अटेंशन नहीं होगी, आपको पता है कि हाँ हम लोग वहां पे इन्वेंट्री लेवल्स पढ़ रहे हैं तो हमारे पास बुक्स में सभी के सभी इन्वेंट्री लेवल्स लिखे हुए हैं। हम लोग फोकस किस चीज पे कर सकते हैं कि हम लोग वहां से जो सुन रहे हैं, जो YouTube से हम लोग सुन रहे हैं, उसको अच्छी तरह से उस कॉन्सेप्ट को हम लोग ग्रास्प करें। नहीं तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग लिखने पे फोकस करते हैं, अरे यार नोट्स ना रह जाए बनने, हम लोग नोट्स पे फोकस ज्यादा कर रहे हैं और जो कॉन्सेप्ट होता है वो हम लोग कम सुनते हैं, और अल्टीमेटली फिर एंड में हम लोग क्या करते हैं, क्रैम करते हैं। तो हैंडबुक्स का एक ये बेनिफिट है। प्लस इसमें आपको क्या है, इसमें आपको थ्योरी पार्ट भी मिलेगा, और सिर्फ उतना पार्ट है जितना रेलिवेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ईच एंड एवरीथिंग इज नॉट रिटन, ठीक है ना, सब कुछ, यानी कि कुछ भी डाला हुआ है, जितना पार्ट आप लोगों का एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है उतना ही इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, प्लस आपको जो क्वेश्चन बैंक मिलेगा उसमें आपको प्रैक्टिस कर सकते हो क्वेश्चंस की, तो ये बेनिफिट है हैंडबुक्स का। अदरवाइज अगर कंसेप्चुअली बात करें तो कॉन्सेप्ट्स हमारे सारे के सारे यहां पर यूट्यूब पर कवर्ड हैं। तो ये आप लोगों के ऊपर है कि आप लोग एडिशनल बेनिफिट लेना चाहते हो या नहीं चाहते हो, दिस इज टोटली अप टू यू। ठीक, इसके बाद जो मैं एक चीज और जरूरी बात करना चाहता हूं, दैट इज ऑन द स्टडी मटेरियल डिस्कशन सीरीज। इसके लिए काफी सारे स्टूडेंट्स का मेरे पास आया रजिस्ट्रेशन, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने करवाई, क्योंकि सबको पता है कि सर ये एक ऐसा चीज है जो हमें बना भी सकता और हमें तोड़ भी सकता, और ये सबसे एक इंपॉर्टेंट मटीरियल है, स्टडी मटीरियल, आईसीएआई स्टडी मटीरियल क्वेश्चन डिस्कशन सीरीज। अब इसमें क्या है, जैसा कि मैंने पहले भी आप लोगों को बताया सर यहां पे, कि जब मटेरियल की बात करें तो प्रायोरिटी किसको देते हैं हम लोग, आईसीआई के स्टडी मटेरियल को। ठीक है, तो अभी फिलहाल हमारे पास क्या है, कॉस्टिंग का ये सीरीज ऑलरेडी है, कंप्लीट है, जिसमें आईसीआई का स्टडी मटेरियल यूज किया है, सभी क्वेश्चंस को हमने उसमें डिस्कस किया है। डिस्कस का मतलब क्या है कि सर डिस्कस भी किया है और हमने उसको लिखकर भी किया है, अगर कोई मेथड डिफरेंट है, प्लस रिटर्न। सर मतलब क्या, जैसे कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग करवाने का मेरा स्टाइल अलग है, तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग जो मैं अपने स्टाइल में करवाता हूँ, मैंने सभी के सेबल टेबल्स लिखवाए हैं वहां पे, एक एक क्वेश्चन हमारा डिस्कस है इस स्टडी मटेरियल क्वेश्चन डिस्कशन सीरीज में। मेरे पास स्टूडेंट्स की बहुत सारी क्वेरीज आती थी स्टडी मटेरियल को लेकर, तो हमने सोचा कि क्यों ना सर एक स्टडी मटेरियल डिस्कशन सीरीज ही निकाल दें। और जिस दिन से मैंने ये सीरीज निकाली है, जिन बच्चों की क्वेरीज आ रही थी उन्होंने लिया और उसके बाद से एक भी क्वेरी नहीं आई। ठीक है, तो मैंने एक दो स्टूडेंट से पूछा कि भैया क्या हुआ, सब क्वेरीज होगी, कहते सर आपने सीरीज सब कुछ तो कवर कर दिया इसमें,
अब हम क्या क्वेश्चन पूछें आपसे, इसमें हमें एक एक पॉइंट की क्लैरिटी होगी, अब हमें इसमें यह भी पता चलता है कि कहां पर गलती करने के हमारे चांसेस रहते हैं और हमें अवॉइड कैसे करना है। तो ये जो सीरीज है दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, राइट। अगर मेरी मानो मेरे अकॉर्डिंग ये सीरीज करनी चाहिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आईसीआई का स्टडी मटेरियल इज ऑलवेज द प्रायोरिटी, ठीक है। तो ये सीरीज हम लोगों को करनी चाहिए, रेस्ट इज योर विश, एब्सोल्युटली योर विश। अब इसके बाद अगर अभी तो कॉस्टिंग की है सर, अगर एफएम की बात करें तो एफएम की डेफिनेटली हमारी आ रही है बहुत जल्दी, एफएम की भी हम लोग लेकर आ रहे हैं जिसमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट के सभी सभी क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है जी। एक एक क्वेश्चन उसमें भी डिस्कस करेंगे, जहां पर रिटर्न जरूरत होगी हम लोग रिटर्न प्रैक्टिस करेंगे, उस क्वेश्चन को पूरा के पूरा सॉल्व करेंगे, जितना पार्ट जरूरी होगा, कोई एक्सप्लेनेशन जरूरी होगी उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मार्क करेंगे हम लोग, कहां पर हम लोग गलती करते हैं, क्रिटिकल एरियाज कौन से हैं वो भी डिस्कस करेंगे, जैसे कि कॉस्टिंग में किया, तो वही सब चीजें हम लोग कॉस्टिंग सॉरी फाइनेंशियल मैनेजमेंट में भी करने वाले हैं। तो इसकी भी स्टडी मटेरियल डिस्कशन सीरीज जल्दी ही आ रही है, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स कह रहे थे कि सर एफएम की भी लेकर आओ, ठीक है। तो एफएम की आ रही है बहुत जल्दी, आपका बहुत ज्यादा वेट अब नहीं होगा, ठीक है। तो ये तो बात रही सर कॉस्टिंग एफएम इको की। अब इसके साथ जुलाई एंड अगस्त के आसपास बहुत सारे सरप्राइजेस हैं आप लोगों के लिए, तो यूट्यूब में मैंने इसीलिए पहले कहा कि सब्सक्राइब कर लो, सो दैट जैसे ही वीडियोस आएंगी आप लोगों को पता चलता रहेगा सर डेफिनेटली। और दूसरी चीज जो मैं उसके लिए कहूंगा कि हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वो सब्सक्राइब कर लो, उसका लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपने अभी तक कॉस्टिंग एफएम इको की प्लेलिस्ट आपको नहीं मिली है तो वो प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप लोग तीनों प्लेलिस्ट पे जा सकते हो, कॉस्टिंग की भी, एफएम की भी और इको की भी, तीनों प्लेलिस्ट वहां पर अवेलेबल हैं, राइट। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने का मुद्दा क्या है सर, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने का फायदा यह है कि वहां पे जो भी अपडेट होगा मैं वहां पर देता रहूंगा, और जो मैं सरप्राइज एलिमेंट एक रख रहा हूं आप लोगों के लिए कि बहुत जल्द हम लोग लेकर आने वाले हैं सरप्राइज एलिमेंट, उसका भी अपडेट आपको चैनल पर ही मिलने वाला है, ठीक है। तो चैनल ज्वाइन कर लेना, ठीक है सर। तो ये हमारी अब स्ट्रैटेजी है जो नवंबर 20 के लिए है, आप लोगों ने भी उतनी ही मेहनत करनी है, हम लोग भी उतनी मेहनत करेंगे सो दैट आप लोगों की तैयारी अच्छी हो सके, ठीक है। हम लोग बहुत कुछ लेकर आएंगे आप लोगों के लिए, यूट्यूब पे बहुत सारी चीजें चलेंगी और भी कोर्सेज चलते रहेंगे, हैंडबुक्स के बारे में मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे दी, जो मेरे पास ज्यादातर क्वेरीज आ रही थी कि सर क्या फायदा है क्या नुकसान है, हैंडबुक्स लेना है नहीं लेना है, तो उन चीजों को लेकर मैंने बता दिया। हाँ, इसमें एक चीज और कवर कर दूं, जो इसकी हैंडबुक्स की डिलीवरीज हैं वो कंटेनमेंट जोन में नहीं हो रही और स्टेट स्पेसिफिक कुछ एरियाज हैं जहां पर नहीं हो पा रही है, ठीक है। तो उस चीज को पहले से चेक कर लेना कि आपके एरिया में आ जाएगी, राइट। सबसे पहले तो ये कंफर्म कर लेना कि सर हैंडबुक्स हमारे एरिया में आ सकती हैं, कोरियर सर्विसेज या पोस्टल सर्विसेज को किसी में कोई भी चीज अवेलेबल होनी चाहिए वहां पे, तो आपकी हैंडबुक्स आपके पास पहुंच जाएंगी, ठीक है जी। इसके लिए स्टडी मटेरियल डिस्कशन सीरीज के लिए सर किसी चीज की जरूरत ही नहीं है सर, लॉकडाउन हो कुछ हो जो मर्जी होता रहे सर ये तो आप लोगों को मिल ही जाएगी। ये आप लोग अपने एंड्रॉयड फोन्स पे देख सकते हो, ये जो सीरीज है आप लोग एंड्रॉयड फोन्स पे दे सकते हो, टैब्स पे दे सकते हो, एंड्रॉयड होनी चाहिए, iOS पे नहीं चलेगी, प्लस आप लैपटॉप्स पे भी देख सकते हो। और इसकी जो सारी डिटेल्स है बाकी हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है, वेबसाइट मैं आप लोगों को फिर से बता देता हूँ, वेबसाइट है सर www.ksjteaching.org। और अगर किसी को कोई भी इंक्वायरी करनी है रिलेटेड टू हैंडबुक्स या कोई स्टडी मटेरियल किसी भी चीज से, यूट्यूब लेक्चर से रिलेटेड कोई भी इंक्वायरी करनी है तो आप लोग हमें ईमेल कर सकते हो @ksjteaching@gmail.com, राइट। तो ये थी हमारी डिस्कशन का पूरा मुद्दा कि सर हमें क्या करना है अब अगले 4 महीनों में, रिलैक्स नहीं करना है सर, काम करना है, मेहनत करनी है, और नवंबर अटेम्प्ट जो है हमारी आखिरी अटेम्प्ट होनी चाहिए, हमें भी मेहनत करनी है, आप लोग मेहनत करोगे हम भी मेहनत करेंगे, दोनों मिलकर मेहनत करेंगे तो आपकी अटेम्प्ट जरूर क्लियर हो जाएगी, राइट। सो ऑल द बेस्ट गाइस, कीप वर्किंग हार्ड, दैट्स ऑल फॉर दिस, थैंक यू सो मच।